अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और ये देखें भाई, सब्ज़ी ले लें, सब्ज़ी की दुकान लगी हुई है, दुकान नहीं लगी हुई ऐसा मत सोचिएगा। मैं बनाने जा रही थी मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी बहुत से लोग कहते होंगे, पर भाई हमारे यहाँ नौरतन कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं, तो मैं बनाने जा रही थी नौरतन अपने स्टाइल से, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। ये पूरी सब्ज़ियाँ हैं जो मैंने काट के इनको एक जगह करा हुआ है। आप अपने हिसाब से सब्ज़ी ले लीजिएगा, आपको जो सब्ज़ी पसंद हो, पर जो ये सीज़न की सब्ज़ी होती है तो वो यही है। मैंने ये देखें, ये है शलजम, गाजर है, और क्या कहते हैं, गोभी है, बैंगन है, आलू है, मटर है, पालक है, मेथी है, मूली है। मूली भी इसी तरीके से कट करी हुई है, तो वो इसी के अंदर मिक्स हो गई। ठीक है, 8 से 9 सब्ज़ियाँ आपने लेनी है। चुकंदर मैं इसलिए नहीं डालूँगी, अगर आपको पसंद है तो आप चुकंदर डाल लीजिए, फलियाँ डाल लीजिए। ये दो चीज़ें मैंने बचपन से नहीं खाई हैं इसके अंदर, तो लिहाजा मैं भी नहीं डालूँगी, क्योंकि चुकंदर जो है वो रंग ख़राब कर देता है नौरतन का। तो इस वजह से हम लोग ने तो कभी डाला नहीं। जो डालते हैं भाई डाल लीजिए, मैं जो डालती हूँ तो फिर मैं आपको वही सिखा रही हूँ और वही बताऊँगी। तो हमारे यहाँ जो है वो कुल 9 सब्ज़ियाँ ये ली जाती हैं, तो जिसका नौरतन बनता है। तो अब आप ये देखें आपके सामने मिर्च मसाले, आप देख लीजिए, टमाटर हैं, छोटी हरी मिर्च हैं, टमाटर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, बहुत महंगे हुए हैं टमाटर, तो लिहाजा आपको जैसे लगे मुनासिब वो डाल लीजिएगा। इमली डालना चाहें इमली डाल लीजिएगा। पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ठीक है, कुटी हुई मिर्चें अच्छी लगती हैं सब्ज़ी के अंदर, पिसी हुई को कम कर दें, हरी मिर्चों को बढ़ा लें और थोड़ी सी कुटी हुई ले लें। बहुत सिंपल सा होता है, आसान सा होता है नौरतन, इतना मुश्किल नहीं होता। आप जितना चाहें खाएँ, सब्ज़ी चावलों के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, कोशिश किया करें कि सब्ज़ी बनाया करें। ठीक है, और बच्चों को, अच्छी बात है कि बच्चों को खानी चाहिए मिक्स सब्ज़ी तो ख़ासकर। तो मैं शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप सब चीज़ सोन के डलेगी, कोई चीज़ आपने वो नहीं करना कि भगा के या उसमें वो हो। ऊपर मसाले डालूँगी, मटर डालूँगी, मेरी मटर फ्रीज़र हुई हुई होती है तो इस वजह से ऐसी हो गई है। गोभी है, सारी सब्ज़ियाँ आप एक कर कर के डाल लीजिए। तेल क्योंकि मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, और क्या कहते हैं, पानी जाएगा नहीं, ये अपने ही पानी के अंदर इतनी अच्छी गलती हुई आएंगी, आप देखिएगा। मैं अब आधे घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये रहे, खुद ही अपने आप कितनी अच्छी सी हल्की आंच पे घुली मिली सी सब्ज़ी बनती हुई आ गई। पानी ना डालें सब्ज़ी के अंदर, सब्ज़ी खुद ही बनती हुई आती है। जिसको खड़ी खानी है वो खड़ी खा ले, जिसको क्या कहते हैं ढाई भी खानी है वो इस तरीके से खा ले भाई। मेरे नज़र में बस बिल्कुल रेडी है, इसकी मैं आँच तेज़ करूँगी, इसको मैं भूनूँगी और दम पे गरम मसाला डालूँगी और हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। छटपट सी आसान सी सब्ज़ी है और बहुत पर मज़ा बड़ा आता है, सर्दी की जान है, शान है ये सब्ज़ी। हरा धनिया नहीं कटा हुआ, हरा धनिया काट लूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह, बस इसको दम पे रख देंगे। आँच मेरी बात नहीं, बिल्कुल बस रेडी है, खाएँ बनाएँ और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। जी, मैं इसको आप फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसकी नज़ला मेरा सही नहीं होया है तो जिससे मेरी आवाज़ ऐसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अगर ये ना ये बसेगी मेरी तो अभी से नियत आ रही है कि बस मैं जल्दी से खा लूँ इसको। ये
ये देखें माशाल्लाह से एक एक सब्ज़ी खिली खिली है, गोभी भी है, गाजर भी है, आलू भी हैं। बनाएं खाएं, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस किस को मिक्स सब्ज़ी पसंद है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी एक व्यूवर्स है वो मुझे कमेंट करती हैं, सुंदुस नईम के नाम से उनका नाम है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसमें लेमन भी डालें, तो भाई मैंने सॉरी लेमन नहीं डाला, पर मैं अपनी प्लेट में डाल के ज़रूर खा के देखूँगी। ठीक है सुंदुस नईम, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तस्वीरें खेत जल्दी तक डालूँ उसमें।